एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आधारशिला मॉड्यूल भाग 6। इस विषय पर हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं, टीचिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड इंडिकेटर्स, शिक्षण मानक और संकेतक। दोस्तों इस मॉड्यूल में जो आकलन करने का तरीका दिया गया है, जो इंडिकेटर्स हैं, जो संकेतक हैं, जिनके आधार पर हम बच्चों का आकलन करते हैं, वो आकलन करने का तरीका सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। इस मॉड्यूल में अध्यापकों के शिक्षण का आकलन करने का भी तरीका दिया हुआ है। आप अपना स्व आकलन कर सकते हैं। कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, कुछ संकेतक दिए गए हैं और कुछ मानक दिए गए हैं। हमें उन मानकों का प्रयोग करना है और उन संकेतकों के माध्यम से हमें अपने आप का आकलन करना है, अपना स्व आकलन करना है और ये देखना है कि जो हमारा शिक्षण है वो किस ग्रेड का है, ए बी सी अथवा डी। यानी यहाँ पर जो है शिक्षण को 4 ग्रेड में बांटा गया है, ए बी सी और डी। तो ग्रेड ए के मानक अलग हैं, बी के मानक अलग हैं, सी के मानक अलग हैं और डी के मानक अलग हैं। इसी तरह से हर ग्रेड के संकेतक अलग हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आप जो है हर ग्रेड का मानक समझ लीजिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप डी ग्रेड में हैं तो आप सी में आइए, सी से बी में आइए और बी से ए में आइए। इस तरह से जो है आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और कहना है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो साइड में जो है वेल आइकन बना रहता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, आल कर दीजिएगा, तो मैं जो भी वीडियोज़ जो है अपलोड करूँगा सीधे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप जो है उस वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक हो सके आप इसे दूसरे मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो का जो है लाभ ले सकें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मित्रों कि यदि आप मेरे चैनल पर हैं और आपको इस तरह की और वीडियोज़ देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में वहाँ आपको डिपार्टमेंटल नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी जो है वीडियोज़ डाल रखे हैं और ये सारी मॉड्यूल्स पर आधारित वीडियोस भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। आप उनको छोटे छोटे टॉपिक में लेकर के मैंने वीडियोस बनाया है। आप जो है प्लेलिस्ट को खोलिएगा, डिपार्टमेंटल नाम से प्लेलिस्ट को खोलिएगा और वहाँ पर वो वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनको वहाँ पर देख करके अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे जो है कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो जो है आधारशिला मॉड्यूल भाग 6, टीचिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड इंडिकेटर्स, शिक्षक मानक और संकेतक, और देखते हैं कि आपका जो शिक्षण है वो किस ग्रेड का है, ए बी सी अथवा डी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आदर्श की तरफ से ये प्योर ग्लास के बने माउंटेबल रैक्स। जी हाँ दोस्तों, इसे आप कहीं भी माउंट कर सकते हैं। इसको माउंट करने के लिए कोई भी छेद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दीवार पे। कहीं भी आप इसे माउंट करिए, चाहे आपके बाथरूम में हो, चाहे आपके बेसिन के पास हो, चाहे जहाँ भी हो, इसे आप आराम से माउंट कर सकते हैं और अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर खरीदिए, क्योंकि ये आज बहुत ही स्पेशल प्राइस में मिल रहा है जो कि है 999 रुपये में, जबकि इसकी मार्केट प्राइस है 2000 रुपये। तो फटाफट से नीचे दी गई लिंक पे जाके क्लिक करो और इसे ख़रीद लो, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आपके बाथरूम और वॉश बेसिन को सुंदर भी बना देती हैं और मॉडर्न भी बना देती हैं। हाँ तो दोस्तों, तो हमारा टॉपिक है शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार, यानी शिक्षकों का प्रदर्शन कैसा है और कैसा होना चाहिए, अपना स्व आकलन कैसे करें और उसमें सुधार कैसे करें, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षक की समझ या बड़ी चुनौती होती है कि वह कैसे जांचे कि उसके प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। इसके लिए हर दिन आत्मावलोकन और विश्लेषण की ज़रूरत होती है। शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकें
और समय के साथ उनमें सुधार कर सकें, इसके लिए शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है, इंडिकेटर्स का डेवलपमेंट किया गया है, इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं। शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक, बच्चे नहीं सीख रहे हैं, बार बार कोशिश के बाद भी नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एक ही तरीके और गतिविधियों सभी बच्चों के सीख पाने में सहायक हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। फिर भी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखने की प्रक्रियाओं से जुड़ाव पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक ऐसी ही मूलभूत प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विकसित किए गए हैं और ये सूचक चार श्रेणियों में हैं। मित्रों, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बन रहा है कि ये जो मानक हैं, ये जो सूचक हैं, कितनी श्रेणियाँ उनकी हैं, तो उनकी यहाँ पर चार श्रेणियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, पहली श्रेणी है सामान्य शिक्षण विधि। बच्चे सीखें इसके लिए आवश्यक है कि कक्षा में बच्चों की सहभागिता झलके, उन्हें सीखने के लिए मौके मिलें और नियोजित तरीके से सीखना सुनिश्चित हो। इसके लिए शिक्षक अपनी कक्षाओं में बच्चों के लिए भयमुक्त और खुला माहौल निर्मित कर गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर बढ़ सकते हैं। शिक्षण विधि के तीन प्रमुख पहलुओं पर सूचक बनाए गए हैं। यहाँ भी जो है क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण विधि के कितने पहलुओं पर सूचक बनाए गए हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है मॉड्यूल्स पर आधारित प्रश्नों में आया भी है। सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, सीखना सुनिश्चित करने की पहल, ये तीन जो है मुख्य पहलू हैं जिनके आधार पर जो है शिक्षण विधि को जो है अपनाई जा सकती है। हर एक श्रेणी के अंतर्गत अपनी प्रगति आंकने के लिए जिन सूचनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन सूचकों का प्रयोग कर सकते हैं, वे आगे दिए गए हैं। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण में मौखिक भाषा में अभिव्यक्ति, विभिन्न मानसिक व भाषाई क्रियाओं के सहारे पठन क्षमता की ओर बढ़ने पर जोर है। मौखिक भाषा का विकास नहीं होने पर प्रभाव पठन क्षमता के विकास पर पड़ता है। बच्चों को विविध संदर्भों में भाषा के उद्देश्यपूर्ण प्रयोग के मौके मिलने चाहिए। बच्चों की सहभागिता ही उनकी भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। फिर बात आती है गणित शिक्षण की, तो गणित में गणितीय अवधारणाओं तक पहुंचने के लिए पहले ठोस वस्तुओं और बाद में चित्रों तथा फिर चिन्हों के साथ विभिन्न क्रियाओं पर जोर है, जिसे हम ELPS कहते हैं, एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर एंड सिंबल। साथ ही अपने दैनिक जीवन में गणित देख पाना और सामान्य क्रियाओं से गणितीय अवधारणाओं को जोड़ पाना महत्वपूर्ण होता है। फिर बात आती है परिवेशी अध्ययन शिक्षण, तो परिवेशी अध्ययन शिक्षण में है कि इस विषय में हमारा जोर तथ्यों पर नहीं बल्कि तथ्यों के बीच संबंधों पर है। इंद्रियों के माध्यम से अवलोकन द्वारा जानकारी हासिल करना और इसके आधार पर नतीजों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना इसका उद्देश्य है। तो शिक्षण प्रदर्शन का स्व आकलन, कैसे अपना स्व आकलन करें? मित्रों, आगे दिए जा रहे सूचक प्रारंभिक स्तर के हैं, समय के साथ इनमें और भी सूचक जुड़ते जाएंगे। मंशा यह है कि हम संभव सूचकों से बदलाव की प्रक्रिया आरंभ करें। एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ जो सूचक इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो प्रारंभिक स्तर के हैं, समय के साथ साथ इसमें और भी सूचक जुड़ते जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को समय के साथ साथ बदलते जाइए, अपग्रेड करते जाइए और अपनी क्षमता को आप बढ़ाते जाइए, ताकि आने वाले भविष्य में और जो सूचक आपको मिलें उन सूचकों पर जो है आप खरे उतरें। हर सूचक में चार स्तर हैं, ABC और D। आप इन सूचकों के आधार पर हर दिन या साप्ताहिक रूप से अपने शिक्षण प्रदर्शन का आकलन करते रह सकते हैं। किए गए कक्षा शिक्षण और बच्चों से बातचीत के बाद दिए गए इंडिकेटर के स्तर DC, B या A पर टिक करें, वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए योजना बनाते और आगे बढ़ते रहें। बी अपेक्षित स्तर है, फिर भी आपका लक्ष्य चाहिए हर सूचक में ए तक पहुंचना। तो आइए देखते हैं मित्रों कि
कौन कौन से जो है कैसे वो सूचक हैं और कौन कौन सी कैसी ग्रेडिंग है, ये इस टेबल में आपको दिख रहा है। तीन पहलू जो बताए थे, पहले पहलू पर बात करेंगे। सामान्य शिक्षण विधि, सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल, ये पहला पहलू है। इसके लिए कैसा होना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। पहला है जीवन, जीवन का मतलब जनरल। वन, कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और कोई भी छूटता हुआ नहीं दिखता, ये लक्ष्य है। तो अब इसमें जो है, जो शिक्षण है उसकी चार कैटेगरी दी गई हैं। देखिए, शिक्षक ए में है, शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चे को दिन में मौके मिलें और जो भाग नहीं ले पा रहे हैं उनको शामिल करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ग्रेड ए में हैं। शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एक से लेकर चार बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन है आपके शिक्षण में तो आप ग्रेड बी में हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं। अगर ऐसी कंडीशन है आपकी कक्षा शिक्षण की तो आपका कक्षा शिक्षण ग्रेड सी का है। तो ज़्यादातर बच्चे डरे सहमे दिखते हैं, बोल नहीं रहे हैं। अगर ये कंडीशन है, इट मीन्स आपका जो कक्षा शिक्षण है वो ग्रेड डी स्तर का है और आपको अपने आप को अपग्रेड करते हुए जो है ए की तरफ बढ़ना है, सी को भी ए की तरफ बढ़ना है, यानी सबको ए की तरफ बढ़ना है। ए जो है यहाँ पर जो दिया गया है वो मॉडल है, वो आदर्श है, उसी को हमें अचीव करना है। फिर बात आती है गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम। G2 में है, बच्चों के सामने रोचक और चुनौतीपूर्ण संदर्भ, प्रसंग, अनुभव रचकर सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये टास्क है। अब इस टास्क में देखिए जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। ग्रेड ए कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में पूरे समय बच्चों को जोड़े रख पाते हैं रुचकर क्रियाओं के माध्यम से। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपका शिक्षण ग्रेड ए है। बच्चों को जोड़ने के लिए रुचिकर व चुनौतीपूर्ण अनुभव पैदा कर शुरू करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप बी में हैं। कभी कभार एक दो उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं सिर्फ तो आप सी में हैं और पाठ पूरा करते हैं, बच्चों में रुचि पैदा करने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शिक्षण डी ग्रेड का है। फिर G3 में आइए। G3 में है, टास्क है बच्चों को दिन के कुछ समय छोटे समूहों में मिलकर काम करने के मौके मिलते हैं। तो ग्रेड ए, बच्चे छोटे समूहों में मिलकर निर्णय व जिम्मेदारी लेते हुए कार्य करते हैं। बी है, बच्चों को छोटे समूहों में मिलकर काम करने के मौके मिलते हैं। ग्रेड सी, बच्चे समूहों में बैठते तो हैं लेकिन मिलकर सोचते या कार्य करते नहीं। और डी है, बच्चों को समूह कार्य के मौके नहीं मिलते हैं। तो अब आप आकलन कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं और आपकी कक्षा कैसी रहती है, आप किस ग्रेड में हैं। फिर G4 है, शिक्षक ठोस सामग्री AB सामग्री एवं पुस्तकालय की पुस्तकें, AB का मतलब ऑडियो विजुअल दृश्य और श्रव्य सामग्री एवं पुस्तकालय की पुस्तकें बच्चों के हाथ में देकर प्रयोग करते हैं। ये टास्क है G4 का। अब इसमें ग्रेडिंग है कि शिक्षक स्वयं या बच्चों के साथ मिलकर सामग्री बनाते जुटाते हैं और बच्चों को अपने आप प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपका शिक्षण ऐसा है तो आपका शिक्षण ग्रेड ए का है। शिक्षक बच्चों को अपने हाथों से सामग्री के साथ अलग अलग रोचक कार्य का मौका देते हैं, खुद भी पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका शिक्षण ग्रेड बी का है। और शिक्षक सामग्री का उपयोग प्रदर्शन के लिए अधिक करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ग्रेड सी है। और शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ग्रेड डी है। अब तीसरा पहलू है सीखना सुनिश्चित करने की पहल। G5 में शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई जाती है और सामान्यतया उसके अनुसार शिक्षण किया जाता है। ये टास्क है और इसमें देखिए ग्रेड ए क्या है, योजना बनाते हैं, पालन करते हैं, उसमें बच्चों की विविध ज़रूरतों के लिए विकल्प भी रखते हैं, ये ग्रेड ए है।
और ग्रेड बी वाल की शिक्षण योजना क्या है, योजना बनाकर और उसके अनुसार पढ़ाने का स्पष्ट प्रयास करते हैं। ग्रेड सी है, योजना बनाते हैं लेकिन उसका उपयोग कम ही करते हैं। और ग्रेड डी है, शिक्षक योजना नहीं बनाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपका शिक्षण ग्रेड डी का है और आपको सबको जो है अपग्रेड करना है। जी सिक्स में है, शिक्षक ने बच्चों की प्रोफाइल भरी है, उनका उपयोग शिक्षण योजना के लिए किया है, उसके आधार पर विशेष शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के सीखने के लिए वे विशेष अवसर बनाते हैं। ये टास्क है और इसमें ग्रेडिंग है, ग्रेड ए। प्रोफाइल के आधार पर योजना बनाकर प्रयोग कर रहे हैं और विशेष शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए सीखने के अवसर बना रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका शिक्षण ग्रेड ए का है, प्रोफाइल भरी है और उसके आधार पर शिक्षण योजना बनाकर प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं तो आपका ग्रेड बी है और प्रोफाइल कुछ हद तक बनाई है लेकिन प्रयोग में नहीं है, तो फिर आप ग्रेड सी में हैं। और बच्चों की प्रोफाइल नहीं बनाई है तो फिर आपका जो शिक्षण है वो ग्रेड डी का है और आपको अपने शिक्षण को जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत है। फिर जी सेवन है, शिक्षक सभी बच्चों का नियमित रूप से आकलन कर रिकॉर्ड रखते हैं। अब इसमें ग्रेड ए की शिक्षण योजना है, बच्चों के नियमित आकलन के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर शिक्षण नियोजन बेहतर कर पा रहे हैं। ग्रेड बी है, बच्चों का नियमित आकलन कर रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ग्रेड सी, बच्चों का आकलन नियमित होता है पर रिकॉर्ड पूरी तरह नहीं होता है। और ग्रेड डी है, बच्चों का आकलन नियमित नहीं होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको डी से सी से बी और ए की तरफ बढ़ना है और बी को ए की तरफ बढ़ना है। फिर आता है भाषा शिक्षण, लैंग्वेज वन का जो टास्क है, टास्क ये है, शिक्षक बच्चों को वस्तुओं, चित्रों, प्रक्रियाओं, अनुभवों, विचारों और भावनाओं पर अभिव्यक्ति के मौके देते हैं, वार्तालाप करते हैं, ज़रूरत पड़े तो उनकी कही बातों को ब्लैकबोर्ड पर लिखकर उसे पढ़ना सिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चे ERAC से होकर के गुजर रहे होते हैं। तो इसमें ग्रेडिंग है, ग्रेड ए की शिक्षण योजना, शिक्षण क्या है, शिक्षक बच्चों द्वारा कही बातों को ब्लैकबोर्ड पर लिखकर उसे पढ़ना सिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, वह बच्चों के लिए आपस में चर्चा करके निष्कर्ष तक पहुँचने के मौके पैदा करते हैं, अगर वाले प्रश्नों का भी प्रयोग होता है। यदि ऐसा होता है तो आपका शिक्षण मित्रों ग्रेड ए का है। शिक्षक खुले प्रश्न करते हैं, बच्चों के लिए सोच के बोलने के मौका पैदा करते हैं, उनकी कही बातों पर प्रतिक्रिया जाहिर कर उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वार्तालाप हो सके। सूची प्रश्न, कैसे, क्यों, इन प्रश्नों का उपयोग होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका शिक्षण ग्रेड बी का है। और ग्रेड सी है, शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं लेकिन अधिकतर ऐसे जानकारी प्रधान प्रश्न हैं जिनका एक ही उत्तर होता है, क्या, किधर, कब, कौन, कहां से प्रश्न अधिक होते हैं। अगर ऐसा है तो आपका ग्रेड सी है और बच्चों को कभी कभार ही बोलने का मौका मिलता है तो फिर आपकी शिक्षण जो है वो ग्रेड डी स्तर का है। फिर लैंग्वेज टू टास्क है, शिक्षक बच्चों को पठित सामग्री पाठ से संपर्क कराने के पहले उसका संदर्भ रचते हैं और संकेतों के सहारे पहले स्वयं से उसे भेदने के मौके देते हैं। अब इसमें ग्रेड सी, ग्रेड ए, ये पाठ सामग्री को पढ़ाने के पहले बच्चों को खुद ही उस सामग्री के बारे में अपने अनुमान व प्रश्न बनाने का मौका देते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अन्य सुराग देते हैं, फिर उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। ग्रेड बी, पाठ्य सामग्री पढ़ाने के पहले उसका संदर्भ रचते हैं और सुरागों के सहारे पहले स्वयं से उसे भेदने के मौके देते हैं, उसके बाद ही पढ़ाते हैं। और ग्रेड सी, पाठ्य सामग्री पढ़ाने के पहले उसका परिचय देते हैं। और ग्रेड डी, शिक्षक सीधे पाठ्य सामग्री को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर आइए L3 की बात करते हैं, लैंग्वेज 3 का टास्क क्या है। L2 तो हम लोगों ने देख लिया, L3 देखिए, बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं। तो इसमें ग्रेड ए है, पुस्तकालय को रोज़ कम से कम एक गतिविधि में ज़रूर शामिल करते हैं। फिर बी, पुस्तकालय अलग अलग पुस्तकालय से अलग अलग पुस्तकों को चुनकर सप्ताह में 3 या अधिक बार एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं,
चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं। ग्रेड सी है बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकों को लेकर देखने, पलटने और पढ़ने के नियमित अवसर देते हैं। फिर ग्रेड डी है पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते। फिर L4 की बात करते हैं, लैंग्वेज 4 टास्क क्या है। बच्चों को चित्र, संकेतक बनाकर या लिखकर अपनी बात व्यक्त करने के मौके देते हैं, ये टास्क 4 है। अब इसमें ग्रेड ई, ग्रेड ए की कैसी योजना होगी। बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वह सोचकर चित्रों और शब्दों या वाक्यों में लिखित अभिव्यक्ति करें। इसके लिए शिक्षक मौके पैदा करते हैं, बच्चों को सहयोग देते हैं और उनकी रचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। और ग्रेड बी, बच्चों को स्वतंत्र चित्र व लेखन पूर्व अभ्यास करने के मौके मिलते हैं। चित्रों, संकेतों, अक्षरों या शब्दों को लिखकर अपनी बात व्यक्त करने के मौके देते हैं। और ग्रेड सी वाले शिक्षक क्या करते हैं, लेखन का काम पाठों में दिए गए अभ्यासों तक ही सीमित है। और ग्रेड डी, लेखन के नाम पर अधिकतर नकल उतारने का काम होता है। अब बात करते हैं गणित शिक्षण की। मैथमेटिक्स 1 M1 इसका टास्क है, स्थानीय पर्यावरण में ठोस सामग्री वस्तुओं का उपयोग गणित की विभिन्न अवधारणाओं को सीखने सिखाने के दौरान किया जाता है। इसमें ग्रेड ए है शिक्षक ELPS। ELPS मित्रों, मैं आपको इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना करके जो है डाल चुका हूँ, आप लोग जो है हमारे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि ELPS क्या है और इसका उपयोग कैसे करें। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल। तो शिक्षक ELPS क्रम का उपयुक्त प्रयोग कर अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं, यह है ग्रेड ए। और ग्रेड बी के शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक बच्चों को ठोस सामग्री वस्तुओं के साथ विभिन्न क्रियाएं और गतिविधियां कराते हैं। और ग्रेड सी के शिक्षक वस्तुओं और TLM का प्रदर्शन करके समझाते हैं। और ग्रेड डी के शिक्षक क्या करते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जा रहा है। फिर M2 मैथमेटिक्स 2, सीखी गई गणितीय अवधारणाओं और कौशलों का शिक्षक द्वारा बच्चों के वास्तविक जीवन की परिचित अवधारणाओं से संबंध जोड़ा जाता है। तो इसमें ग्रेड ए के शिक्षक क्या करते हैं, सीखी हुई अवधारणाओं को दैनिक जीवन में उपयोग के लिए शिक्षक विशेष कार्य, गतिविधियां, प्रोजेक्ट देते हैं। और ग्रेड बी के टीचर, बच्चों को मौका दिया जाता है कि वे अपने जीवन से उदाहरण और अनुभव साझा करें। और ग्रेड सी, कभी कभार शिक्षक स्थानीय उदाहरण अपनी ओर से देते हैं। और ग्रेड डी के शिक्षक क्या करते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरणों से काम लिया जाता है। बात करते हैं मित्रों परिवेशी अध्ययन शिक्षण में, इन्वायरमेंटल स्टडीज E1। अपने इलाके में परिवेश के विभिन्न घटकों, पहलुओं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी तालाब, लोग आदि से आपसी संबंधों को समझना। और इसमें ग्रेड ए है बच्चे अपने परिवेश के बारे में जानकारी और समझ विभिन्न रूपों में दर्ज करते हैं, लेखन, चित्र, नक्शे, ग्राफ आदि प्रदर्शित करते हैं और परिवेशीय पहलुओं में आपसी संबंधों पर बात करने के मौके पाते हैं। तो ऐसा जो है ये ग्रेड ए में है। और ग्रेड बी के जो शिक्षक हैं उनकी कक्षा में क्या होता है, शिक्षक परिवेश के विभिन्न घटकों, पहलुओं के बारे में खोजबीन करने और उनके आपसी संबंधों को समझने के मौके रचते हैं। और ग्रेड सी, परिवेशीय जानकारी को शामिल किया जा रहा है लेकिन उन तथ्यों के बीच संबंधों पर जोर नहीं है। और ग्रेड डी की कक्षाओं में क्या होता है, केवल पाठ्य पुस्तक के पाठों में दिए गए तथ्यों और जानकारी पर जोर है, उनमें दी गई गतिविधि नहीं कराई जाती। फिर E2 की बात करते हैं, टास्क इन्वायरमेंटल स्टडी टास्क 2 है, कक्षा में बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकनों पर विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें ग्रेड ए की कक्षा में क्या होता है, बच्चों को अवलोकन के आधार पर अपने द्वारा दर्ज की गई जानकारी का विश्लेषण करने के मौके मिलते हैं। और ग्रेड बी की कक्षा में क्या है, शिक्षक सुनियोजित तरह से बच्चों को तरह तरह के अवलोकन करने और उन्हें दर्ज करने के मौके देते हैं।
और ग्रेड सी है पढ़ने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं, और ग्रेड डी की कक्षा में कक्षा, स्कूल, घर में स्वयं अवलोकन करने के सुझाव और मौके नहीं दिए जाते। तो मित्रों, इस तरह से आपने देखा कि हमारी जो कक्षा शिक्षण है, हमारा जो शिक्षण है वो किस ग्रेड का होना चाहिए, और हमें जो है किस तरह से अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए ताकि हम ग्रेड ए की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि ग्रेड ए जो है वो मॉडल है, वो आदर्श है, हमें उसी तरफ जो है बढ़ना है और अपनी शिक्षण योजना में, शिक्षण तरीकों में, शिक्षण विधियों में सुधार करना है ताकि जो है हम ग्रेड ए तक पहुंच सकें। और जैसा कि शुरू में कहा गया था कि ये प्रारंभिक जो है संकेतक हैं, अभी और संकेतक आपको दिए जाएंगे और संकेतक विकसित किए जाएंगे, तो पहले हम इन्हीं संकेतकों का प्रयोग करते हुए ग्रेड ए तक आएँ, फिर जब भविष्य में और संकेतक दिए जाएंगे तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार रहना है, पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करना है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। नमस्कार।